बच्चों के अधिकारों को लेके तमाम कानून हमारे देश में बने हैं, इसको लेके तमाम आयोगों का गठन जो बच्चों के अधिकारों के लिए किया गया है, इसी को लेके उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग का भी गठन किया गया है और बाल संरक्षण आयोग की सदस्य सीमा डोरा जी आज हमारे साथ हैं। आज जी सीमा जी, सबसे पहले हेलो उत्तराखंड न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद मैम। सबसे पहले आपसे आपसे जानना चाहेंगे कि देखने मारे कि तमाम ऐसी घटनाएं आ रही हैं जो बच्चों के उत्पीड़न से संबंधित, चाहे स्कूलों में हो, घरेलू हिंसा में जो तमाम बच्चों पे हिंसा या अत्याचार किस तरह के मामले आ रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मतलब क्या कुछ इतने तमाम आयोग और कानूनों के बाद भी ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही है? हाँ जी, ये बात मैं ज़रूर कहूँगी। देखिए, बच्चों को प्रताड़ित तो पहले भी किया जाता होगा, लेकिन आजकल क्योंकि मीडिया इतना सक्रिय हो गया है, और बहुत खुशी होती मुझे देखिए, और आई एम वेरी ग्रेटफुल टू मीडिया कि उन्होंने हमारी बात जन जन तक पहुँचा रहे हैं। और जो बच्चों को चाहे वो घर में प्रताड़ित किया जाए या स्कूल में प्रताड़ित किया जाए या अड़ोस पड़ोस में, वो बात बहुत जल्दी मीडिया पहुंचा देता है सब तक, और उनको हमको आसानी होती है उनको सज़ा देने में। हम तो पेपर में पढ़कर भी एक्शन ले लेते हैं, अगर हमारे पास कोई पेपर की कटिंग में कुछ भी आ जाए लिखा हुआ तो हम फौरन एक्शन ले लेते हैं। हाँ, व्हाट्सअप का क्लिक हम नहीं ले पाते एक्शन, लेकिन अगर कोई हमें बाकायदा कोई क्लिकिंग भेज दे तो हम उस पर भी एक्शन कर सकते हैं। और जैसे कि कई केसेस में ऐसे देखने को मिल रहा है कि कई बार जो है बाल संरक्षण आयोग में वो केसेस आते हैं, लेकिन उसके बाद जो पुलिस को तमाम निर्देश दिए जाते हैं, पुलिस द्वारा उसमें जो है जो कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं हो पाती, तो उसमें क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये बात ठीक है कि संरक्षण आयोग अगर कोई आपको नियम बना दे या कोई रूल कह दे कि ये काम करना है तो कोई पुलिस उसको मना नहीं कर सकती, वो काम तो होना है। लेकिन कई बार ऐसे होता है कि कई चीज़ें हम तक पहुंच नहीं पाती, और हम तक केस में अगर सुनवाई हमारे आयोग में आके हो गई तो उसको सज़ा मिलनी निश्चित है। लेकिन अगर आयोग में वो केस नहीं आया तो बाहर से अगर उसमें कुछ समझौता हो जाता है या कुछ और चीज़ें हो जाती है तो उसमें आयोग कुछ कर नहीं पाता, क्योंकि आयोग को भी सबूत चाहिए होते हैं, आयोग को कंप्लेन चाहिए होती है जी। इससे पहले भी जैसे हमने देखा कि देहरादून के कई स्कूलों में भी ऐसी घटनाएं देखने को मिली हैं, और तमाम जो कार्यवाही के बाद भी ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, कहाँ चूक मानते हैं आप? मतलब क्या कुछ लोगों में जागरूकता नहीं है या क्या कुछ स्कूल प्रशासन इसको क्या कुछ? जी हाँ, स्कूल में पहले ऐसे लोगों को शायद ऐसा लगता था कि प्राइवेट स्कूलों में आयोग का कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम कंटिन्यू, मेरे पास शिक्षा है उत्तराखंड की, तो मैं कंटिन्यू देहरादून के भी और जगह के स्कूलों में बराबर भ्रमण करती हूँ, निरीक्षण करती हूँ। और ये जो कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं अब तो, कि हर वॉशरूम के सामने टॉयलेट के सामने कैमरा होना जरूरी है, बसेस में कैमरा होना जरूरी है, कॉरिडोर्स में कैमरा जरूरी है, और स्वीपर्स जो छोटे बच्चों के लिए यानी कि जूनियर सेक्शन तक जो होगी वो जो स्वीपर्स होगी वो मतलब लेडी स्वीपर्स होगी, और जो स्वीपर होंगे वो सिर्फ बड़े बच्चों के लिए होंगे, और कैमरेज जो बताया आपको, और पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन जरूरी है ताकि पेरेंट्स का बराबर योगदान रहे स्कूल में, कि स्कूल में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। पेरेंट्स को पूरी अथॉरिटी है कि वो स्कूल से जाके क्वेश्चन पुट अप कर सके कि ये चीज़ क्यों नहीं है आपके स्कूल में जो होनी चाहिए, ठीक है। और हमने बोला था कि बसेस वगैरह में जो गार्ड्स हों वो लेडी गार्ड होनी चाहिए और बच्चों को बाकायदा ड्रॉप करेगी वो। कैमरेज होने चाहिए बसेस में, GPRS होने चाहिए ताकि स्पीड्स पे कंट्रोल किया जा सके। अगर जैसे ही ड्राइवर स्पीड ज़्यादा करते हैं तो फौरन उसका मैसेज है वो पहुंच जाएगा स्कूल के ओनर के पास या जिसका भी फ़ोन नंबर दिया गया होगा। इसके अलावा हमने ये निर्देश दिए थे सभी स्कूलों को कि शिकायत और सजेशन बॉक्स जरूर होने चाहिए ताकि पेरेंट्स डायरेक्ट अपनी बात को लिखकर बता सकें, और वो पेरेंट्स के सामने वो बॉक्स खुलेगा, टीचर्स और पेरेंट्स के सामने वो बॉक्स खुलेगा ताकि पेरेंट्स और टीचर्स में ये ना रहे कि आपने हमारी बात छुपा ली या आपने हमारे अगेंस्ट कैसे बोल दिया। और भी बहुत सारे हमने कानून बनाए हैं जिस पे अमल हम कर ही रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट के भी ऑर्डर्स हैं अब तो कि इन सब चीज़ों को फॉलो करना है स्कूल को। तो ऐसे में देखने को अगर बात करें हम बाल भिखारियों की, तो तमाम ऐसे रोड पे कई ऐसे दिख जाते हैं, क्या कुछ कारण है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भी तमाम ऐसे बच्चों पे जो रोक नहीं लग पा रही, क्या लोगों की जागरूकता ऐसे में जो लोग भीख देते हैं या क्या कुछ मानते हैं आप? हाँ, हमारा धर्म ये कहता है कि जो भी आपके सामने है तो उसको भीख जरूर दे दीजिए,
तो ये कहीं ना कहीं भिक्षा को बढ़ावा तो हम खुद ही देते हैं। छोटा बच्चा दे लिया, अच्छा बच्चा रोता है, वहाँ आया भीख दे दो, तो हमने भीख दे दी। कहें क्या आप अच्छा कर रहे हैं उसके लिए? आप उसके लिए बहुत ही गलत कर रहे हैं। अगर आप कुछ कर सकते हैं उसके लिए तो उस बच्चे की पढ़ाई का बंदोबस्त करिए। अगर आप बच्चे को हम ही में से तो लोग हैं जो बच्चों को काम देते हैं अपने घर में करने के लिए, क्या हम उनको पढ़ा नहीं सकते? आप प्राइवेट स्कूल की फीस नहीं उसकी भरा सकते तो कम से कम सरकारी स्कूल में एडमिशन तो उसका दिलवा दीजिए। तो हम वो भी नहीं कर सकते क्योंकि हमें फ्री का नौकर चाहिए या हमें बहुत सस्ता नौकर चाहिए। तो कहीं ना कहीं हम सभी गुनाहगार हैं इसमें। अगर सब अवेयरनेस सब सब जगह हो जाए तो बच्चों को भिक्षा मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और हम तो ये कहते हैं कि हमारी सरकार ने बहुत ही बच्चों के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी हुई हैं। जैसे मैं बार बार अपनी बात को दोहराती हूँ कि आप जहाँ कहीं भी भिक्षा मांगते हुए बच्चों को देखिए, तो हमारे पूरे उत्तराखंड में 7 टीमें बनी हुई हैं अलग अलग जनपद में, जिसमें 5-5, 6-6 SP और इंस्पेक्टर्स हमारे जो हैं वो इन्वॉल्व होकर काम कर रहे हैं। आप डायरेक्ट फ़ोन कर सकते हो, आप जहाँ पर भी हो। फ़ोन नंबर हमने जनहित में जारी कर दिए हैं ऑलरेडी, तो आप पुलिस को बताइए कि यहाँ भिक्षा मांग रहे हैं, तो पुलिस उनको पकड़ लेगी और पकड़ के उनको CWC जो वहाँ का CWC होगा वहाँ पर उनको भेजा जा सकता है। वहाँ उनकी पढ़ाई लिखाई का बंदोबस्त हो सकता है। जो पेरेंट्स अपने बच्चों को भरण पोषण या पालन पोषण नहीं कर सकते हैं वो भी हमारे को अपना बच्चा दे सकते हैं कि हम नहीं पाल सकते, आप हमारे बच्चे को देख रेख लीजिए, हम बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, सब कुछ सरकार का जिम्मा है। लेकिन सभी से मैं बार बार कहती हूँ कि प्लीज़ आगे आइए, इस बार में हम सबका हाथ बताइए और आयोग को फौरन बताइए कि कहाँ पर क्या गलत हो रहा है। एक महिला हो कि आपने एक पुरुष आयोग की भी आपने मांग की थी, प्रधानमंत्री मोदी जी को आप इसको लेके आपने पत्र लिखा था। हाँ जी, मैं ज़रूर कहूँगी कि हमारी बेटियाँ पढ़ लिख कर बहुत आज आगे बढ़ रही हैं और बहुत खुशी होती है देखकर कि कंधे से कंधा मिलाकर लड़कियाँ काम कर रही हैं और देश की प्रगति और देश के आगे विकास में उनका बराबर का योगदान, बल्कि एक कदम आगे ही रहेगा। लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि हमारे जो बेटे हैं वो कहीं ना कहीं भी कभी किसी लड़की के गलत निर्णय से वो परेशान हो जाते हैं। तो इस मामले में मेरा था कि जब हमने बाल आयोग बना दिया, हमने महिला आयोग बना दिया, तो पुरुष आयोग भी अगर बन जाए तो बच्चों के लिए यानी कि लड़कों के लिए भी थोड़ा सा सही रहेगा कि उनको भी समय पर अगर ज़रूरत पड़े तो न्याय मिल सके। बच्चों की सुरक्षा को लेकर आप उनके जो पेरेंट्स हैं या जो समाज है या इसके अलावा जहाँ पे वो अधिकतम समय व्यतीत करते हैं, चाहे विद्यालयों की बात करें, तो ऐसे लोगों को क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? मैं यही देना चाहूँगी कि हम लोग बार बार कहते हैं कि बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं। जब हम सबको पता है कि बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं, तो इस भविष्य को अगर हम सुधार लें तो देश तो अपने आप ही तरक्की कर जाएगा, चाहे वो बच्चे गरीब के हों या अमीर के हों, प्राइवेट स्कूल में पढ़ें या सरकारी स्कूल में पढ़ें। शिक्षक कोई भी हो, प्राइवेट स्कूल के या सरकारी स्कूल के, या हमारी 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 ड्यूटी बनती है कि हम बच्चों को उचित शिक्षा दें। और मारने पीटने से कोई सोल्यूशन नहीं निकलता। आप एक बार मारेंगे, उसकी दो बार मारने से उसकी आदत पड़ जाएगी कि मैम ने तो मुझे मारना है। और ये कहाँ का न्याय है कि अगर बच्चे ने होमवर्क नहीं किया तो आपने थप्पड़ लगा दिया, या बच्चे ने यूनिफॉर्म प्रॉपरली नहीं पहनी तो आप समझाया जा सकता है। पेरेंट्स को बुलाइए, पेरेंट्स को कन्वेंस करिए, बच्चे को समझाइए, होमवर्क नहीं कर पा रहा है तो देखिए कहाँ प्रॉब्लम है, क्यों होमवर्क नहीं कर पा रहा, क्या ऐसा है कि उसकी अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम है? हो सकता है वो क्लास में पढ़ाया हुआ चैप्टर समझ ना पाया हो इसलिए होमवर्क नहीं कर रहा हो, या उसकी घर की स्थिति देखिए कि क्या प्रॉब्लम है। कई बार ऐसा होता है कि घर में पेरेंट्स नहीं है, बच्चा होमवर्क नहीं कर रहा, टीचर ने उसको थप्पड़ लगा दिया, तो टीचर को भी बराबर का मैं ये सजेशन दूंगी कि उनका भी बराबर का राइट है बच्चों की वेलफेयर में और बच्चों की सुरक्षा। मैम, हेलो उत्तराखंड न्यूज से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग की सदस्य सीमा डोरा जी। अगली बार मिलते हैं किसी और दूसरी हस्ती के साथ। देखते रहिए आप हेलो उत्तराखंड न्यूज देहरादून।